Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll give you a complete shading tutorial of face drawing. Face drawing को हम complete करने वाले हैं and मैं यहाँ पे 2B pencil का use करने वाली हूँ and that is art line का 2B pencil है. Graphite pencil use करूँगी मैं, but of course मैं charcoal pencil का भी use करूँगी for the darkness, जहाँ मुझे darkness चाहिए होगा. तो मैं यहाँ eyebrow से start कर रही हूँ and eyebrow में मुझे of course dark चाहिए layer and जो eyebrow की जो texture होती है वो dark होती है, तो फेस का जो वैल्यू होता है वो बहुत अच्छे से ऊपर के आता है. तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आईब्रोज जो है डार्क में चाहिए एंड मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल. एंड बट अब मैं बिगनर्स को सजेस्ट नहीं करूँगी चारकोल पेंसिल, बिकॉज फेस ड्राॅइंग के लिए ओनली. आप बिगनर हो, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है तो वो आपके फेस में बहुत गंदा दिख सकता है, इसलिए आप स्टार्टिंग में आप डार्क ग्रेफाइट पेंसिल ही यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर है. ओके, एंड यहाँ आईज़ को मैं ड्रॉ कर रही हूँ. आईज में आपको ध्यान रखना है कि ये एंगल, अभी ये क्या है, साइड व्यू फेस है तो इसका एंगल किस तरह होना चाहिए, डेफिनेटली उसका जो शेडिंग है वो भी उसी अकॉर्डिंग होगा. आपका जो सबसे पहले आपको एनालाइज करना होगा कि आपका जो फेस है वो किस एंगल में है एंड उसकी जो सबसे पहले तो आपको लाइंस का ध्यान रखना है. बिल्कुल लाइन ड्राइंग तो आपको आपकी परफेक्ट होनी चाहिए. अगर आपकी लाइन ड्राइंग परफेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप अपनी लाइंस को कंप्लीट स्टडी करो उस पर, और उस पर फोकस करो आप सबसे पहले एंड देन आप शेडिंग पोर्शन पे आओ. और अभी आपको फेस के लिए मैंने एक भी लाइन ड्राइंग का वीडियो नहीं दिया है. अगर आपको वीडियो चाहिए फेस के लिए भी कि कैसे फेस को ड्रॉ करना है, कैसे फेस को ड्रॉ किया जाता है किसी भी एक्यूरेसी के साथ, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट करो, मैं उसका वीडियो लेकर के आऊँगी आपके लिए और मैं उसमें आपको कंप्लीट फिर डिटेल बताऊंगी कि आपको फेस किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए एंड एक्यूरेसी किस तरह से आती है, वो मैं सारा कुछ कंप्लीट आपको वो ट्यूटोरियल दूंगी. एंड डेफिनेटली मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कमेंट सेक्शन में जाके. तो प्लीज़ गो एंड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो अभी क्या है कि हम लेयर बाय लेयर काम करेंगे और मैं बिगनर हूँ तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी लेयर बाय लेयर काम करो. और मैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा लेयर पे काम नहीं कर रही हूँ बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए, और मेरी प्रैक्टिस है. बट बिगनर हो आप तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, ऑफकोर्स नहीं होगी. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 3-4 लेयर में जा कर के आप इसको कम्प्लीट करो शेडिंग को, बिकॉज जब आप कम्प्लीट करते हो शेडिंग को लेयर बाय लेयर तो उसमें जो है एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है. एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको लेयर बाय लेयर काम करना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या होता है कि हमको इरेजर बहुत कम यूज़ करना पड़ता है. हम डार्क लेयर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं तो हमें इरेजर का यूज़ नहीं पड़ता है, और जहाँ हमें डार्क टोन चाहिए होता है हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं तो वो हमारा परफेक्ट जो हमें टोन चाहिए वो हमें मिल जाता है. और आपका जितना कम इरेजर यूज़ होगा आपके फेस में और तो उतनी ही एक्यूरेसी और उतना ही स्मूथनेस आपके फेस में दिखेगा और आपके वर्क में उतनी ही क्लियरिटी दिखेगी. तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ सबसे पहले तो आप लेयर बाय लेयर काम करो एंड सबसे पहले तो आप लाइन ड्राॅइंग पर काम करो एंड देन जब आप शेडिंग पर आओगे तो डेफिनेटली आप शेडिंग पर लेयर बाय लेयर वर्क करो, उससे आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहेगी. एक बार आप ट्राई करके देखो, ये मेथड यूज़ करके देखो, और प्लीज़ मुझे कमेंट भी करना कि आपको ये मेथड कैसा लगा और आप में क्या इम्प्रूवमेंट आई, उसके लिए भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना ताकि मुझे पता चलेगा कि आपका जो वर्क है आप कैसा कर रहे हो, आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है. तो उससे क्या होता है कि आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मैं डिटेलिंग करती हूँ फेस वर्क में डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी अगर डिटेलिंग नहीं है फेस में तो वो डेफिनेटली जो उसका लुक है रियलिस्टिक लुक है वो उभर के नहीं आएगा. बिकॉज अगर आपको रियलिस्टिक लुक चाहिए तो डेफिनेटली आपके वर्क में जो है डिटेलिंग होनी चाहिए. डिटेलिंग अगर होगी तो डेफिनेटली आपका जो वर्क है वो रियलिस्टिक लगेगा. यहाँ वीडियो मैं बना रही हूँ बट मुझे ऐसा
ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको वो डिटेलिंग नहीं दिख रही होगी, बट वो सामने से मुझे दिख रही है। वो डिटेलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेलिंग मीन्स कि आप हर एक छोटे से छोटे चीज़ को एनालाइज करके आप उसको अप्लाई करो। ये नहीं कि इतना हम वर्क कर दे रहे हैं, इसमें इतना शेडिंग काफ़ी है और इतना हाईलाइट काफ़ी है, इतना डार्कनेस काफ़ी है, बट जो छोटे छोटे डिटेलिंग होती है जो हमें दिखते भी नहीं है, जो मीन्स जैसे कि हम लिप्स में कर रहे हैं तो लिप्स में लाइंस की जो डिटेलिंग होती है वो हमारा डिटेलिंग जो वर्क होता है वो आपको वीडियोस में नहीं दिखेगा, बट वो डिटेलिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रियलिस्टिक अगर आपको ड्राइंग बनानी है तो। नॉर्मल ड्राइंग बनानी है तो इतना डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में आप नॉर्मल शेडिंग कर सकते हो, बट अगर आपको रियलिस्टिक पोर्ट्रेट चाहिए, हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट चाहिए, तो डेफिनेटली आपके वर्क में जो है डिटेलिंग होनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जितना इम्पॉर्टेंट आपका डिटेलिंग है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका जो वर्क है, आपका जो पेशेंस है वो भी उतना ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आप डिटेलिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके पास पेशेंस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपका जो वर्क है वो उतना डिटेलिंग के साथ नहीं आ पाएगा। बिकॉज डिटेलिंग के लिए ऑफकोर्स पेशेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप किसी चीज़ को भी आप डिटेल में कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, आप कोई भी वर्क ले लो, तो अगर आप डिटेल में कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें जो टाइम टेकन है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर टाइम लगेगा ज़्यादा तो डेफिनेटली आपका जो वर्क है वो बहुत अच्छा रहेगा, वो वर्क बहुत अच्छा रहेगा। तो वैसे ही पोर्ट्रेट में भी है कि आप जितना ज़्यादा टाइम देते हो, जितना डिटेलिंग करते हो इसमें, उतना ही रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक लुक आपको मिलेगा आपके वर्क में। एंड मैं यहाँ पे अभी नेक एरिया को कवर कर रही हूँ। नेक एरिया में नॉर्मल थोड़ा सा डार्क शेडिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड इसको फिर मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। बिकॉज अभी हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पे फेस का एंड नेक एरिया जितना भी स्किन टोन था उसको मैंने कम्प्लीट किया है। एंड सेकेंड पार्ट में मैं आपके लिए यहाँ बियर्ड एंड हेयर वाला जो पोर्शन है उसको कम्प्लीट करूँगी। ओके, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको मेरे बताने के तरीके में कुछ अगर गड़बड़ लग रहा हो या फिर मैं कुछ आपको नहीं बता पा रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड मैं आपको एक लुक दे रही हूँ कि ये इस टाइप का लुक जो है कंप्लीट हमारा रेडी होगा लास्ट में। ये हेयर एंड जो ये बियर्ड वाला पोर्शन है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो मीन्स पार्ट टू में लेके आऊँगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है हेयर एंड बियर्ड का, एंड वो सच में इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज़ पार्ट टू। ओके, देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।